प्रेगनेंसी को कॉमन लैंग्वेज में अबॉर्शन प्रोसेस कहा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मेडिकल मेथड जो दवाइयों के द्वारा अबॉर्शन किट के द्वारा अकम्पलिश किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले ये जान लेना बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अबॉर्शन की दवाइयाँ अपने आप बिना किसी डॉक्टर की देखरेख के ना लें। सेफ अबॉर्शन के लिए ज़रूरी है कि यह प्रोसीजर एक डॉक्टर की निगरानी में ही किया जाए। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। अबॉर्शन किस तरीके से किया जाएगा यह डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी कितने ड्यूरेशन की है। यदि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन 9 वीक्स यानी कि 63 दिन से नीचे की है तो मेडिकल मेथड के द्वारा हम कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन 9 हफ्ते से ऊपर की है तो मेडिकल मेथड्स अलाउड नहीं है एंड इन दैट केस सर्जिकल मेथड इज़ द वन विच विल बी अडॉप्टेड। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी कंफर्म की जाएगी यूरिन या ब्लड प्रेगनेंसी के द्वारा, और उसके बाद आपके लास्ट पीरियड की डेट के हिसाब से प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कैलकुलेट की जाएगी। साथ ही साथ कुछ और जाँचें जैसे कि कभी कभी एक अल्ट्रासाउंड भी आपको एडवाइस किया जा सकता है ये कंफर्म करने के लिए कि प्रेगनेंसी कितने दिन की है, और यह दूसरी बात कि प्रेगनेंसी सही जगह पर यानी बच्चेदानी के अंदर ही है। कभी कभी ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि शुरुआती दौर में अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया और इसके कारण ये मिस कर दिया गया कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर नहीं थी और उसके बाहर यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। ऐसी सिचुएशन में इन दवाइयों का सेवन करना एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। ये सब इनिशियल इवैल्यूएशन के बाद देख के कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि आपका बीपी बहुत बड़ा ना हो, आपको कोई अस्थमा की प्रॉब्लम ना हो, आपको हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, जनरली 8 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन होता है तो ये दवाइयाँ देना थोड़ा रिस्की हो जाता है, आपको कोई लिवर या किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बातों की जानकारी लेके और देख के कि आप दवाइयाँ लेने के लिए फिट हैं तब आपको डॉक्टर वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे। दवाई का काम यह होता है कि ये प्रेगनेंसी को आगे बनने से रोक देती है, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको हम प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं ये उसके इफ़ेक्ट को बंद कर देती है। ये दवाई बच्चेदानी के मुँह को सॉफ्ट करती है और बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस शुरू कर देती हैं। ऐसा होने से गोली लेने के 4-6 घंटे के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी जो बच्चेदानी के अंदर है वो इसी क्रैम्पिंग और ब्लीडिंग के साथ बाहर आती है। शुरू के 3 से 4 दिन आपको पीरियड से थोड़ी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, जनरली उसके बाद ये ब्लीडिंग का अमाउंट कम हो जाता है और 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि 2 हफ्ते के बाद आपको कोई ब्लीडिंग और कोई पेन नहीं होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड करके ये कंफर्म किया जाता है कि बच्चेदानी के अंदर और कोई रिमेनिंग प्रेगनेंसी टिश्यू नहीं है। इन दवाइयों के कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग जो होगी ही अबॉर्शन प्रोसेस में, पेन हो सकता है, किसी को थोड़ा थोड़ा उल्टी का फीलिंग या उल्टियाँ हो सकती हैं, लो ग्रेड फीवर आ सकता है और किसी को डायरिया भी हो सकता है। जनरली ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स इंडिकेट करते हैं कि दवा काम कर रही है, और ये साइड इफ़ेक्ट्स सेल्फ लिमिटिंग होते हैं यानी कि 24 से 48 घंटे में ये सेटल हो जाते हैं। पेन के लिए आपको आपके डॉक्टर पेन का मेडिसिन और उल्टी की फीलिंग या उल्टी के लिए उन सिम्टम्स को रोकने का मेडिसिन अक्सर साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि दवाई लेने के बाद पेन बर्दाश्त की हद से ज़्यादा हो रहा है दवाई लेने के बावजूद, या फिर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी महसूस होने लगी है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल इमरजेंसी में वापस जाना चाहिए और अपना चेकअप करवाना चाहिए। कभी कभी जब प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होती है जैसे कि 8 हफ्ते 9 हफ्ते तो ब्लीडिंग हेवी मात्रा में हो सकती है, और ऐसे में इमरजेंसी में प्रोसेस को सर्जिकली कंप्लीट करना पड़ सकता है। अबॉर्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए 2 हफ्ते के बाद घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट ना करें, क्योंकि वो उसमें पॉजिटिव ही दिखाएगा। जनरली अबॉर्शन के किसी भी प्रोसेस के बाद 4 हफ्ते तक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। ब्लीडिंग का बंद हो जाना, पेन का बंद हो जाना और अल्ट्रासाउंड में
खाली बच्चेदानी नज़र आना जिसके अंदर कोई रिमेनिंग प्रेगनेंसी टिश्यू नहीं है, ये तीन बातें ही कंफर्म करेंगी कि अबॉर्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अगर आप अपने पहले बच्चे को अभी ब्रेस्ट फीड कर रही हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है तो भी मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन इज़ सेफ। इसको जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, आप डॉक्टर की देखरेख में और निगरानी में इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं जबकि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी की सिचुएशन में ना लैंड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर बर्थ कंट्रोल मेजर्स का इस्तेमाल करें। अबॉर्शन प्रोसेस के बाद अगले 4 हफ्ते में ओवुलेशन की प्रतिक्रिया रिटर्न कर जाती है, यानी कि देर इज़ अगेन अ चांस दैट यू कैन फॉल प्रेगनेंट। तो बहुत ज़रूरी है कि इमिडिएटली आफ्टर अबॉर्शन भी आप रेगुलर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल को यूज़ करें। इन मेथड्स की ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें। जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग द अबॉर्शन प्रोसीजर्स। केवल वो अस्पताल या वो नर्सिंग होम्स या वो सेंटर्स जो गवर्नमेंट ने इस प्रोसीजर के लिए अप्रूव किए हैं वहीं पे ये प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस स्टे कनेक्टेड।